जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम दोस्तों हम पढ़ेंगे कि उत्सर्जन जो होता है मानव शरीर में, उत्सर्जन जो होता है वो किन किन मुख्य अंगों के द्वारा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में जो दोस्तों हमने पढ़ा था कि मानव शरीर में जो उत्सर्जन के आधार पर जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन के आधार पर जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना था, ब्रीफ डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मानव शरीर में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, आइए जानते हैं क्या होते हैं। तो मानव शरीर में दोस्तों जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वो हमारे किडनी होते हैं, ठीक है। किडनी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, एक जोड़ी किडनी हमारे शरीर में पाई जाती है। किडनी की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी, यानी कि दो किडनियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है। एक जोड़ी संख्या होती है किडनी की, दो किडनी, ठीक है। दोस्तों किडनी जो होती है वो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके दोनों साइडों पर उपस्थित होती है, यानी कि एक दाई किडनी होती है और एक बाई किडनी होती है, ठीक है। तो दाई किडनी जो होती है वो बाई किडनी की अपेक्षा थोड़ी नीचे की ओर स्थित होती है, जो बाई किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर की ओर होती है हल्की सी, और जो दाई किडनी होती है वो हमारी थोड़ी सी नीचे की ओर स्थित होती है, ठीक है। और किडनी के अगर हम आकार की बात करें तो किडनी का आकार जो होता है वो सेम के बीज की तरह होता है, जैसे सेमी, सेमी की सब्जी सभी ने खाई होगी, ठीक है। अगर हम सेमी के सेमी को जब उछेलते हैं उसका जो छिलका होता है, यानी कि जो सेमी के जो दो पत्र होते हैं, दो टुकड़े होते हैं सेमी के, पत्ते जैसे संरचना होती है बाहर से, उसको जब हम छुटाते हैं तो उसमें बीज निकलते हैं। और वो बीज होते कैसे हैं देखने में, उनकी संरचना जो होती है वो कुछ सेम के बीज के आकार की जैसी होती है। जैसे यहाँ पे अभी हम उसकी किडनी की संरचना बना रहे हैं, उनको देखते हैं, इस तरह से जो होती है यह संरचना जो होती है वो किसकी दिखाई देती है, इस तरह से बीज के जैसे दिखाई देती है, ठीक है, यानी सेमे के बीज की तरह दिखाई देती है। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारी किडनी का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर रहा। अब मैंने आपको बताया कि बीज की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, सेमी के बीज की तरह होती है, ठीक है। अब किडनी में कौन कौन से भाग होते हैं वो हम देख लेते हैं। किडनी का जो बाहरी भाग दिख रहा है, ये जो मैं आपको डॉट्स लगाते हुए दिखाई दे रहा हूँ, ये जो भाग दिख रहा है इसे हम कहते हैं दोस्तों कॉर्टेक्स। ठीक है, ये भाग जो है वो कौन सा भाग कहलाता है, ये भाग कहलाता है कॉर्टेक्स। इस भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद जो लाइन वाला भाग दिख रहा है, जिसमें लाइन जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये वाला भाग कहलाता है दोस्तों मेडुला, मेडुला, ठीक है। मेडुला भाग जो होता है, इस भाग में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि ये जो भाग आपको दिख रहा है इस तरह से, ये लाइन जो खींची हुई दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो दोस्तों है ये नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन है, ये क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन की यूनिट इकाई कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन की इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यहां पॉइंट्स नोट कर देते हैं हम कि एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन की इकाई, एक्सक्रीशन की इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। एक उत्सर्जन की इकाई किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। किडनी की संख्या जो होती है कितनी होती है हमारे शरीर में, एक जोड़ी होती है, ठीक है। और जो दोनों किडनी होती है वो हमारे कहां स्थित होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में स्थित होती हैं।
ठीक है, ये दोनों किडनी हुई और ये बीच की रीढ़ की हड्डी है, इस तरह से दोनों साइडों में ये स्थित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किडनी जो होती हैं हमारे शरीर में, तो ये किडनी जो होती हैं इन दोनों किडनियों के ऊपर एक इस तरह से कोण के आकार की यानी कि तीन भुजाओं वाली संरचना दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह से ये किडनी होती हैं, इनके ऊपर इस तरह से लगी हुई एक संरचना दिखाई देती है। ये दोस्तों संरचना जो होती है वो एक प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसे हम अधिविरक्त ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अधिविरक्त ग्रंथि के नाम से जानते हैं, अधिविरक्त ग्रंथि, या बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? दो संख्या होती है इनकी, यानी कि इनका जो संख्या होती है वो कितनी होती है? दो होती है। एक दाई किडनी के ऊपर पाई जाती है, एक बाई किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो ये जब ग्रंथि होती है इसके भी दो भाग होते हैं। इस ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। ये एड्रिनल ग्रंथि है और इसके अंदर की ओर भी जो होता है उसे कहते हैं मेड्यूला, और बाहर की ओर जो होता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि की अगर हम अंदर से संरचना देखते हैं तो उसमें हमें दो भाग मिलते हैं, एक मिलता है मेड्यूला, दूसरा मिलता है कॉर्टेक्स। ठीक है, अब जो किडनी होती हैं तो इसमें दो नलिकाएं होती हैं, एक होती है वृक्क धमनी और दूसरी होती है वृक्क शिरा। ठीक है, तो वृक्क धमनी का कार्य जो होता है वो दोस्तों रक्त को लाने का, किडनी में जो रक्त लेकर आती है, ठीक है, वो कौन लाती है? धमनी लाती है। और जो किडनी से रक्त को लेकर जाती है वो कौन जाती है? सिरा जाती है। ठीक है, यानी कि धमनी का कार्य क्या होता है? सिर के अंगों तक रक्त को पहुंचाने का, और जबकि सिरा का कार्य क्या होता है? सिर के अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य किसका होता है? सिरा का होता है। तो इनमें यानी कि जो किडनी होती हैं उनमें दो नलिकाएँ इस तरह से लगी होती हैं, इनमें से एक कौन सी होती है? एक होती है धमनी, वृक्क धमनी बोलते हैं जिन्हें, वृक्क धमनी, धमनी, और दूसरी कौन सी होती है? वृक्क शिरा होती है, वृक्क शिरा होती है। ठीक है, इतना बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो किडनी का साइज होता है यानी कि इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? लंबाई जो होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लंबाई इसकी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होती है इसकी कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिविरक्त ग्रंथि जो होती है इसका क्या कार्य होता है और ये कहाँ पाई जाती है। मैंने आपको बताया भी कि ये जो ग्रंथि होती है वो हमारी किडनी के ऊपर उपस्थित रहती है। अधिविरक्त ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो अधिविरक्त ग्रंथि क्या होती है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिविरक्त ग्रंथि क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, पढ़ते हैं कि अधिविरक्त ग्रंथि जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड या अधिविरक्त ग्रंथि, अधिविरक्त ग्रंथि, अधिविरक्त ग्रंथि कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को
एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो सीधे हमारे ब्लड में मिक्स होता है, यानी कि किसी नलिका के माध्यम से ये हमारे शरीर के अन्य भागों तक नहीं जाता, केवल और केवल सीधे ग्लैंड से निकलता है और ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की ग्रंथियों क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, इसमें जो दोस्तों इसका कॉर्टेक्स भाग होता है इसकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है ये कितना होता है? 80% होता है, और जबकि मेडुला वाला भाग होता है वो कितना होता है? 20% होता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों एक हार्मोन निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये दोस्तों नेफ्रॉन में, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये दोस्तों नेफ्रॉन में क्या करता है? NaCl के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि NaCl के अवशोषण को बढ़ाता है, अवशोषण में हेल्प करता है। ठीक है, NaCl के अवशोषण में क्या करता है? सहायता करता है। NaCl क्या होता है? NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है? NaCl क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम क्या होता है? नमक। साधारण नाम नमक होता है। ठीक है, नमक को क्या करते हैं हम लोग? नमक में क्या होता है? नमक में आयोडीन पाया जाता है। ये आयोडीन क्या करता है? हमें ग्वाइटर बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है, यानी कि हमारे शरीर में जो हमारी थायराइड ग्रंथि जो होती है इसके फूल जाने के कारण एक रोग हो जाता है जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, घेंगा रोग में क्या होता है? व्यक्ति की जो गर्दन होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है। देखा होगा कभी कभी मोटी सी गर्दन हो जाती है, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा मतलब मांस के जैसे इकट्ठा हो जाता है और यहाँ गर्दन जो होती है वो मोटी सी हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं? इसे घेंगा रोग कहते हैं। और ये किसकी कमी कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी कारण कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, या ग्वाइटर भी कहते हैं इसे। अब ये जो बीमारी होती है ये महिलाओं में ज़्यादा होती है, जो ग्वाइटर की बीमारी होती है, थायराइड की जो बीमारी होती है वो किस में होती है? महिलाओं में हो जाती है, जिसे घेंगा कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो पुरुष जो होते हैं उनके गर्दन में ये जो ग्रंथि जो होती है वो बाहर की ओर हमें मालूम पड़ती है, इस तरह से। ये जो हमारा कंठ होता है यहाँ पे ये लगी होती है कंठ के जस्ट नीचे। ठीक है, जो हमारी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ये कहाँ लगी होती है? कंठ जो होता है हमारा वो जस्ट नीचे उसके होती है। ठीक है, लेकिन महिलाओं में क्या होता है? उनका ये कंठ जो है बाहर से मालूम नहीं पड़ता। जब भी ये ग्रंथि स्वेलो होती है तो महिलाओं में ईजिली दिखाई दे जाती है। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है? ये ग्रंथि जो होती है वो ईजिली दिखाई दे जाती है जब वो स्वेलो कर जाती है। तो इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा कौन सा हार्मोन होता है उसको देखते हैं। ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये हार्मोन होता है जो एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन जो उसको जो हमारे नेफ्रॉन होता है, हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं उनको, उनमें क्या होता है? शर्करा जो होती है हमारी बॉडी में, जो हम शर्करा खाते हैं यानी कि शुगर जो खाते हैं, शुगर के अवशोषण में हेल्प करता है, शुगर के अवशोषण में हेल्प करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, शुगर के अवशोषण में हेल्प कौन करता है? ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर में जो नेफ्रॉन होता है उसमें
शुगर के अवशोषण में ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसका कार्य जो होता है दोस्तों, ये प्रोटीन को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ये चेंज कर देता है दोस्तों फैट में, ठीक है। फैट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज कर देता है, फैट में। कौन चेंज कर देता है, ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को फैट में चेंज कर देता है, प्रोटीन को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, शर्करा के अवशोषण में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारा फैट होता है वो होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो फैट की बात करते हैं कि फैट होता क्या है। फैट जो होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में फैट ना हो तो हमारी बॉडी एक तो सुंदर नहीं दिखेगी, ठीक है। देखा होगा गाल भरे हुए होते हैं, फेस जो होता है वो अच्छा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, फैट के कारण दिखाई देता है। अगर हमारी बॉडी में फैट नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा हमारा शरीर, यानी कि शरीर में हड्डियाँ मालूम पड़ेंगी, मांस मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये किसकी देन होती है, सर फैट की देन होती है। फैट की वजह से जो व्यक्ति होता है वो सुंदर मालूम पड़ता है एक तो, ठीक है। और ये हमारे शरीर में एनर्जी भी देता है, फैट जो होता है वो हमारे शरीर में एनर्जी देने का एक मुख्य स्रोत होता है। फैट से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, इन सभी से ज़्यादा हमें जो डायरेक्टली फैट लेते हैं उससे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की बात कर रहे थे कि प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर की जो सेल डिवाइड करती हैं तो जिससे हमारा शरीर क्या होता है, ग्रोथ करता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये होता है, सेल ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, ठीक है। अगर हमारे शरीर में कोई भी चोट लग जाती है, जैसे घाव हो जाता है, कभी कभी चोट लग जाती है तो हाथ पैर में घाव हो जाते हैं, इस चोट लग जाने के कारण शरीर के किसी भी अंग में घाव हो सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम अगर प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, ये जो घाव होते हैं हमारे शरीर के वो जल्दी भर जाते हैं, ठीक है। अगर जैसे ज़्यादा घाव लगा हुआ है, ज़्यादा चोट लगी हुई है, तो आप पनीर की सब्ज़ी होती है पनीर को ज़्यादा खाने से, यानी कि प्रोटीन उसमें भरपूर मात्रा में मिलता है हमें, ठीक है। तो जब हम पनीर को ज़्यादा खाते हैं तो हमारे घाव जो होते हैं बहुत जल्दी भरने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन भी क्या होता है, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ये घाव भरने में या हमारे शरीर को डेवलपमेंट करने में, हमारे शरीर का विकास करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है प्रोटीन, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक हार्मोन और निकलता है इसके द्वारा, जिसे हम एंड्रोजेंस कहते हैं, ठीक है। इसे लैंगिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, एंड्रोजेंस। इसे किस नाम से जाना जाता है, लैंगिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लैंगिक हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, एंड्रोजेंस को जाना जाता है। एंड्रोजेंस, ठीक है। ये हार्मोन निकलता है, इसे कैसे क्या सा हम कहते हैं, लैंगिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों मानव के शरीर में लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ठीक है। मानव के शरीर में क्या करता है, लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जब देखा होगा आपने, जब कोई भी व्यक्ति जवान होता है, जवानी उस पर आती है, तो होता क्या है, उसके शरीर में कुछ बदलाव आती हैं, ठीक है। बदलाव आने का मतलब है कि उसके फेस पे दाढ़ी वगैरह निकल आती है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, सही है। हड्डियाँ
मजबूत होती हैं। ये सभी विकास जो होते हैं वो व्यक्ति के शरीर में आते हैं जब व्यक्ति यंग स्टेज में पहुंच जाता है तब। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? एंड्रोजन हार्मोन के कारण होता है, इसे लैंगिक हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है व्यक्ति में, नर में, व्यक्ति का मतलब नर में, मादाओं में नहीं, मादाओं में भी निकलती है इसके, लेकिन जब ये ज़्यादा बॉडी में निकलता है किसी मादा की बॉडी में तो क्या होता है उसकी दाढ़ी मुरझा जाती है कभी कभी। क्या निकालता है? दाढ़ी निकालता है, मूंछ निकालता है। ठीक है, ये सभी बदलाव जो होते हैं वो किस कारण होते हैं? लैंगिक हार्मोन के कारण होते हैं, यानी कि एंड्रोजन के कारण होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ज़्यादा प्रभाव होने से क्या होता है, यानी कि व्यक्ति में या फीमेल में जब ये ज़्यादा निकलता है तो क्या होता है? एंड्रोजन के ज़्यादा निकलने से क्या होता है? एंड्रोजन के ज्यादा स्त्रावण से या ज्यादा निकलने से, ज्यादा स्त्रावित होने से ज्यादा होने से ठीक है, फीमेल में भी क्या होता है? फीमेल में भी मूंछ दिखाई देने लगती है, मूंछ दिखाई दे सकती है। ठीक है, दे सकती है। एक चीज और, मूंछ दिखाई तो दे सकती है लेकिन जब ये ज्यादा स्त्रावित होगा तो कॉर्टेक्स ट्यूमर भी बन जाता है। इसके ज्यादा स्त्रावित होने से क्या होता है? इसके ज्यादा स्त्रावित होने से, ज्यादा स्त्रावित होने से क्या होता है? कॉर्टेक्स ट्यूमर भी बन जाता है, कॉर्टेक्स ट्यूमर भी बन जाता है। कॉर्टेक्स ट्यूमर बोलते हैं दोस्तों कैंसर के लिए, ट्यूमर क्या होता है? कैंसर होता है, भी बन जाता है। ठीक है, इस कारण भी जो फीमेल होती हैं उनमें मूछें दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका अगर बॉडी में कम सीक्रेशन हो तो क्या होता है? इसका अगर बॉडी में कम सीक्रेशन हो तो क्या होता है? ठीक है, तो अगर एंड्रोजन, एंड्रोजन का बॉडी में कम सीक्रेशन हो, बॉडी में कम सीक्रेशन हो या कम निकले तो दोस्तों एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगर एंड्रोजन जो होता है वो बॉडी में कम निकलता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे एंडिसंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? एक बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? तो एंडिसंस, एंडिसंस नामक डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ठीक है, इस बीमारी में होता क्या है? जो हमारे दोस्तों मेटाबॉलिज्म में क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, सांस लेना, पाचन करना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, ठीक है, इन ये इनकी जो कार्य करने की क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। एंडिसंस बीमारी में क्या होता है? जो हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं होती हैं, एंडिसंस बीमारी क्या होता है? हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं, हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती हैं? उपापचय क्रियाएं कैसी हो जाती हैं? धीमे हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। उपापचय क्रियाएं दोस्तों कैसी हो जाती हैं? धीमी हो जाती हैं। जब हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं कम होंगी, यानी कि धीमी हो जाएंगी, तो क्या होगा? हमारे शरीर पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा, हमारे शरीर के अंग लोग में वो वर्क नहीं करेंगे। जब वर्क नहीं करेंगे
मान लिया हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया, तो ब्लड की सप्लाई हमारे शरीर में पूरी तरह से नहीं होगी। जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो हमारे शरीर तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। जब ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक नहीं पहुँचेगी तो हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब एनर्जी का निर्माण नहीं होगा तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। अब जब कार्य नहीं कर पाएंगे, एनर्जी नहीं बनेगी हमारे शरीर में, तो शरीर कैसा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इस बीमारी में क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है वो कमज़ोर भी हो जाता है। शरीर कैसा हो जाता है, कमज़ोर भी हो जाता है। कमज़ोर का मतलब है थकान रहती है, थकान रहती है बॉडी में, ठीक है, थकान रहती है। जब थकान रहेगी, शरीर काम नहीं करेगा, शरीर के अंग काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जीना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। यानी कि सीधी सीधी बात है, जब हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी तो हम कहाँ से जी पाएंगे, बिल्कुल नहीं जी सकते, ठीक है। तो जो एंडिसंस नाम की बीमारी होती है, इसमें हमारी उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में कमजोरी आदि रहना शुरू हो जाती है। और ये कमजोरी रहेगी तो हमारा बॉडी विकास नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मौत भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर एड्रिनल जो हार्मोन है, एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, उससे जो हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, उससे जो हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए, मात्रा ज़्यादा होने पर तो हमारे शरीर में दोस्तों एक सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है। मात्रा ज़्यादा होने पर क्या होगा, हमारी बॉडी में एक सिंड्रोम हो जाता है जिसे कसिंग सिंड्रोम कहते हैं, कसिंग सिंड्रोम हो जाता है, सिंड्रोम हो जाता है। सिंड्रोम जानते हैं किसे कहते हैं, सिंड्रोम अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए। सिंड्रोम जो होते हैं, जब हमारे शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों में जब संख्या कम हो जाती है उनकी या ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, अगर 46 में एक ज़्यादा हो जाए 47, ठीक है, अगर 46 में एक कम हो जाए तो कितने हो जाएंगे 45। ये कंडीशन अगर बॉडी में हमारी हो जाती है, यानी कि एक गुणसूत्र ज़्यादा होने के कारण या फिर एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो यह क्रिया जो कहलाती है, यानी कि यह जो चेंज आता है हमारे शरीर में, वो क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो कसिंग सिंड्रोम हो जाता है। अब इस कसिंग सिंड्रोम में होता क्या है, व्यक्ति के शरीर पर बाल जो होते हैं वो अधिक हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, व्यक्ति के शरीर पर बाल जो होते हैं, हेयर जो होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, हेयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ज़्यादा हेयर हो जाएंगे तो कैसे दिखेगा, बिल्कुल बंदर के माफिक दिखेगा। ठीक है, अगर व्यक्ति के शरीर पे बाल ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, बाल ज़्यादा हो जाएं, उसके चेहरे पे भी बाल हो जाएं, और शरीर है, पीठ है, पेट है, सीना है उसका, ठीक है, अगर बाल ज़्यादा हो जाए तो कैसे दिखेगा, ऐसा लगेगा कि चिंपैंजी, बंदर की तरह दिखेगा ना। तो इस हार्मोन के
अगर ज़्यादा सीक्रेशन होता है बॉडी में, ज़्यादा स्त्रावण होता है, तो कैसा दिखाई देने लगता है ये? उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल हो जाएंगे, यानी कि बाल जब ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर बाल ज़्यादा, जैसे आदिमानव हुआ करते थे पहले पहले समय में, पुराने समय में आदिमानव हुआ करते थे, तो उनके पूरे शरीर पर बाल थे, कैसे दिखते थे? बंदर के जैसे दिखते थे। अगर व्यक्ति के शरीर पर ज़्यादा बाल हो जाएँ, हद से ज़्यादा बाल हो जाएँ, कैसे देखेगा? बंदर के जैसे देखेगा ना। तो कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ये कसिंग सिंड्रोम होता कब है? जब एंड्रोजन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है तब, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जब ज़्यादा निकाला जाता है, ज़्यादा स्त्रावित होता है, तो उसमें बाल जो होते हैं वो हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं, यानी पूरी बॉडी पर बाल जो होते हैं वो भर जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ पोरस हो जाती हैं, पोरस का मतलब छिद्रित हो जाती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं कैसी हो जाती हैं, हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं, छिद्रित हो जाती हैं, छिद्रित का मतलब उसमें छिद्र हो जाते हैं, छिद्रित पोरस, पोरस हो जाती हैं, ठीक है। कैसी हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, यानी कि हड्डियाँ जो होती हैं उनमें छिद्र बन जाते हैं, छिद्र दिखाई देने लगते हैं, इस हार्मोन की ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा स्त्रावित होता है तो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फीमेल में क्या होता है, जब ज़्यादा सीक्रेशन होगा तो इसमें फीमेल में क्या होगा, दाढ़ी मूछ उभरने के चांस रहते हैं, फीमेल में क्या होगा, फीमेल में